ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੱਕ ਜਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोज़ लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VPN एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। सेकंड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी टेलीग्राम, ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। थर्ड एप्लीकेशन आपको कैपकट ऐप डाउनलोड करनी, ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी। ये आप कैसे डाउनलोड करोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे म्यूजिक लिंक नेम से होगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फर्स्ट वाली वेबसाइट में जाना है आपको, वहां पर आपको ये वाली वीडियो का पोस्ट मिल जाएगा। उस पोस्ट को ओपन करने के बाद आपको नीचे वहां पर कैपकट ऐप लिंक मिल जाएगा, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। मगर उससे पहले आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप भी होना चाहिए। तो यहाँ पर तीनों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना VPN कनेक्ट करना है। जो भी आपने VPN डाउनलोड करोगा प्ले स्टोर से, आपको इसे ओपन करके कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ से मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, अगर आप इसे कनेक्ट नहीं करोगे तो आपके कैपकट में इफेक्ट वगैरह नहीं आएंगे। तो बाहर को आ जाना है कनेक्ट होने के बाद। अभी आपको यहाँ पर अपना कैपकट ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। अगर गाइस आप ये वाली वीडियो पर बनाना चाहते हो तो आपको अपनी एक वीडियो ले लेनी है। फोटो पर बनाना चाहते हो, यहाँ से आपको अपनी एक फ़ोटो ले लेनी है। तो जैसे यहाँ पर इस फोटो पर बनाकर दिखाता हूँ, एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। अगर फ़ोटो लेते हो तो आपको ये करना, नीचे फॉर्मेट पर क्लिक करके 9:16 वाला साइज़ लगा के फ़ोटो को आपको स्क्रीन पर फुल साइज़ में कर लेना है। अभी यहाँ पर आपको इफेक्ट वगैरह लगाने, उससे पहले आपको इसमें म्यूज़िक लगाना है। तो नीचे ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। जो ये वाली वीडियो का आपको म्यूज़िक लगा देना है। ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी वो आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। अब आपकी जो फ़ोटो रहेगा या वीडियो रहेगी, तो आपको वीडियो बड़ी होनी चाहिए आपकी। अगर फ़ोटो होता है तो आपको उसे बड़ा कर लेना है। वीडियो आपके करीब 9 सेकेंड के ऊपर होनी चाहिए। तो जैसे म्यूज़िक के बराबर मैं इस फ़ोटो को कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब आपको इफेक्ट वगैरह लगाने, तो इफेक्ट वगैरह का आप कौन से लगाओगे? एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख ली है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको कौन से इफेक्ट लगाने हैं। तो सबसे पहले तो गाइस आपको अपने वीडियो में स्प्लिट कर लेना है दो जगह। तो स्प्लिट आप कैसे करोगे? वीडियो पर क्लिक करना है, नीचे स्प्लिट का ऑप्शन है, आपको स्प्लिट कर देना है। लेकिन आपको किस टाइम पर करना है मैं यहाँ पर आपको टाइम बता देता हूँ, तो आप टाइम देखकर कर लेना। सबसे पहले तो आपको 2 फिंगर से वीडियो क्लियर को फुल जूम कर लेना है। फुल जूम करने के बाद आपको यहाँ पर मैं टाइम बताता हूँ। तो गाइस आपका जो फर्स्ट वाला स्प्लिट होगा वो देखिए यहाँ पर 4 सेकेंड आ रहा है, 04 आ रहा है ना, 04। तो यहाँ पर आपको एक स्प्लिट करना है इस जगह, ठीक है, फर्स्ट वाला। और सेकेंड वाला आपको कहाँ करना है, सेकंड वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको सेकंड वाला यहाँ करना है, देखिए मैं आपको टाइम से बताता हूँ। ये 07 आ रहा है, 07। तो 07 से पहले जो यहाँ पर 25 है, 25 से पहले जो डॉट है, सेकंड वाला स्प्लिट आपको यहाँ करना है। दो स्प्लिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको इफेक्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको 2 फिंगर से वीडियो क्लियर को कम जूम कर लेना है, इसे जूम आउट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेकंड वाले वीडियो पार्ट पर आना है, नीचे एनिमेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर मिलेगा आपको इन। तो यहाँ पर मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ, इन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको मिलेगा रॉक वर्टिकली नेम का इफेक्ट, आपको ये लगा देना है। इसकी साइज़ आपको इतनी कर देनी है, ठीक है। बस आपको एक ही में ये वाला इफेक्ट लगाना है। अब लाइट वाला इफेक्ट लगाना है आपको 1+ पर। तो यहाँ पर जो आपने पार्ट स्प्लिट करोगे उसमें बीच में आई बटन जैसा निशान आ रहा होगा, तो फर्स्ट वाले को छोड़ देना है, सेकेंड वाले पर आपको क्लिक करके और यहाँ पर आपको ये वाला लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ब्लेंच नाम का इफेक्ट लगाना है, ब्लेंच नाम का, ठीक है, राइट कर देना है। अब आपका जो अगर फोटो लेते हो या वीडियो लेते हो तो आपको, जैसे मान लो नॉर्मल वीडियो या फोटो था आपका, तो आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा जूम कर लेना है, या फोटो होता है तो आपको जूम कर लेना है फोटो पे क्लिक करके, ठीक है, इस तरीके से। अभी गाइस हमारी वीडियो बन गई है, आई होप आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आई लाइक ज़रूर से करना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। और यहाँ पर गाइस मैं आपको ब्लर इफेक्ट बताना भूल गया था, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको शुरू में आ जाना है, नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको ट्रेंडिंग के बराबर में मिलेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, या आपको बेसिक भी मिल सकता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर क्लिक करके सेकंड नंबर वाला जो इफेक्ट है डायमंड जूम नाम का, आपको ये वाला इफेक्ट लगा देना है और राइट कर देना है।
फिर आपको इफेक्ट पे क्लिक करके नीचे एडजस्ट पे क्लिक करके इसका जो ऊपर वाला साइज़ है बस आपको ये फुल कर देना है, ठीक है, यहाँ से राइट कर देना है। इसका साइज़ आपको कितना रखना है, जो आपने फर्स्ट वाला स्प्लिट करोगा उसको इसकी बराबर आपको इसका साइज़ रखना है, ठीक है, इस तरीके से। और जो म्यूज़िक की वीडियो है ये भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पर साइज़ पर क्लिक करके फुल रेजोल्यूशन करके वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।